नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के पार्ट सेकंड के बारे में। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट के में हमने आपके साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट का वीडियो बना दिया था, और आज की वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए विटामिन्स व उनके रासायनिक नाम व उनसे होने वाले रोगों की याद करने के शानदार ट्रिक्स लेकर आया हूँ, जिसको देखने के बाद आपको विटामिन्स की ये सारी बातें हमेशा याद रहेगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से व पूरा देखें। दोस्तों, विटामिन से संबंधित हर पेपर में उनमें एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और पीछे के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ विटामिन्स की और उनसे होने वाले रोगों की, वो ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, वो भी डिटेल से। और दोस्तों, विटामिन नाम कब दिया था ये भी आप बता सकते हैं, आप डिटेल से बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये है विटामिन और उनके रासायनिक नाम, वो भी ट्रिक के साथ। दोस्तों, इनकी ट्रिक्स क्या है, विटामिन और उसके रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों, एक साइड में लिखा है ट्रिक, एक साइड में है विटामिन और एक साइड में रासायनिक नाम। ट्रिक के नीचे नाम है, देख सकते हैं आप, रथ एक टॉफी, और इधर है विटामिन ए बी सी डी ई और के, और इस साइड में मैंने लिखा है रासायनिक नाम। तो दोस्तों, आप नीचे की साइड में ऐसे चलते जाना है, आपको याद करना है रथ एक टॉफी। तो दोस्तों देखो, रे जो कि ए के अकॉर्डिंग है विटामिन ए से, तो रे से बना है रेटिनॉल। क्या बना है? रे से रेटिनॉल। फिर बारी आई थे की, जो कि बी के अकॉर्डिंग, तो थे से बना है थायमिन। ए जो सी के अकॉर्डिंग है, इससे बना है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बना है? ए से एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर आया कै, जो कि ए डी के अकॉर्डिंग है डी के, तो कै से बना है कैल्सीफेरॉल। फिर आई बात आई टो की, टो जो कि ई के अकॉर्डिंग है, तो इससे बना है टोकोफेरॉल। फिर बात आई है फी की, जो कि के अकॉर्डिंग है फिलोक्विनोन, तो फी से बना है फिलोक्विनोन। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ट्रिक्स है रथ एक टोफी, तो रे से रेटिनॉल, ये ऐसे बना दिया, पूरा का पूरा बना दिया है। तो आप इस ट्रिक से इनके रासायनिक नाम है आसानी से याद कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थे इनके रासायनिक नाम। तो फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम्स में इनके रासायनिक सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको रासायनिक सूत्र भी बता देता हूँ साथ साथ में। तो मैं सबसे पहले रेटिनॉल का रासायनिक सूत्र बता देता हूँ। इसका रासायनिक सूत्र है C20H80O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब बात आती है थायमिन की, थायमिन का रासायनिक सूत्र बता देता हूँ मैं आपको। थायमिन के रासायनिक सूत्र हैं C12H16N4SO, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब इसके बाद बात आती है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र है C6H8O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। फिर बात आती है कैल्सीफेरॉल की, तो कैल्सीफेरॉल का रासायनिक सूत्र है C28H44O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। फिर बात आती है टोकोफेरॉल का रासायनिक सूत्र है C29H50O2, ये इसका हो गया। फिर बात आई है फिलोक्विनोन का रासायनिक सूत्र है C31H46O2। तो दोस्तों, ये इसके रासायनिक सूत्र है, पीछे के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं एक दो बार कि इनके रासायनिक सूत्र क्या है। अब पूछ लिया जाए कि विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या और उसका रासायनिक सूत्र क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन्स और उनसे होने वाले रोग। दोस्तों, ये भी एक शानदार ट्रिक्स है, जिसको आप एक बार याद कर लोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। और विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स है रब से रिक्वेस्ट पर। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब एक साइड में ट्रिक विटामिन और रोग, ट्रिक है रब से रिक्वेस्ट, तो रे ए के अकॉर्डिंग ए, तो ए से
रे से बन गया रतौंधी। तो दोस्तों अब हो गया ए, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। फिर बात आइए बै, रब, बै से बात आइए विटामिन बी, बै से बेरी बेरी बन गया। तो विटामिन बै से बी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। फिर बात आइए से, ये सी की अकॉर्डिंग है से, तो से बना सक्करवी रोग। तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? सक्करवी। फिर बात आइए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जो डी के अकॉर्डिंग है, तो रिक्वेस्ट से बना है रिकेट्स, यानी रिक्वेस्ट से बना है रिकेट्स, यानी डी से रिकेट्स रोग होता है। इसके बाद बारी आई है पै, पै जो कि ई के अकॉर्डिंग है, तो पै से बना है पेरलीसिस। फिर बात आई है रे की, रे जो कि के अकॉर्डिंग है, रे से बना है रक्त का थक्का न बनना। तो दोस्तों ये हैं इनके होने वाले रोग। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन रोगों के क्या क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहली बात आई है रतौंधी की। तो दोस्तों रतौंधी रोग में आँख काले से दूधिया रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया, मतलब आँख सफ़ेद हो जाती है दोस्तों। फिर बात आई है बेरी बेरी की। किसकी बात आई है? तो दोस्तों बेरी बेरी रोग में विटामिन बी के अभाव में हृदयघात हो जाता है दोस्तों। अब बात आई है सक्करवी। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से सक्करवी रोग होता है और इसमें मसूड़ों में खून आना और मसूड़े फूलना हो जाता है। अब बात आई है रिकेट्स की। किसकी? रिकेट्स की। तो दोस्तों रिकेट्स रोग में सूखा रोग हो जाता है, मतलब त्वचा सूख जाती है, मतलब पपड़ी जम जाती है त्वचा के ऊपर। अब बात आई है इम्पोर्टेंट, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि पैरालिसिस से क्या रोग है, जो कि विटामिन ई की कमी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है एवं अंग घात हो जाता है, मतलब अंग में टूट फूट हो जाती है। तो इस रोग को क्या कहते हैं? पैरालिसिस, जो कि महिलाओं में होता है, मतलब महिलाओं में बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। अब क्वेश्चन बन जाता है कि किस विटामिन की कमी से महिलाओं में बांझपन उत्पन्न हो जाता है? तो वो होता है दोस्तों पैरालिसिस। अब बात आई है विटामिन के। तो विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनना। तो फ्रेंड्स इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता तथा घाव से रक्त का बहाव नहीं रुकता, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे आज हमारे ट्रिक्स विटामिन के रोग और उनके रासायनिक नाम याद करने की। तो दोस्तों अभी इनसे संबंधित मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जिसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बता सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि आप कितने याद हैं। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांझपन रोधी विटामिन किसे कहते हैं? बांझपन रोधी। तो दोस्तों आपको मैंने अभी बताया है, अभी एक मिनट पहले बताया है कि बांझपन रोधी विटामिन किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है और इसकी कमी से बांझपन रोधी, मतलब विटामिन की कमी से बांझपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी इसका उत्तर बता सकते हो, उसके आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो दोस्तों क्वेश्चन है, स्त्रियों में गर्भावस्था के समय एजन में भ्रूण का मर जाना किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों ये पहले वाले क्वेश्चन है जो घुमा के दिया गया है, तो इसका भी सही उत्तर क्या है? विटामिन ई। तो दोस्तों ये वीडियो था आज का हमारा, जिसमें हम विटामिन के बारे में बात किए, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पीछे देखा है, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात आई विटामिन की, तो दोस्तों मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताया है कि कौन कौन सी विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है और कौन कौन सी विटामिन है वसा में घुलनशील है। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जल में कौन कौन से विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये दोनों जल में घुलनशील है। अब बात करते हैं वसा में कौन कौन सी घुलनशील है। तो वसा में बात आती है, तो वसा में घुलनशील है ए, टी, ई और के, ये है वसा में घुलनशील। तो फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात, एक ऐसा भी विटामिन है जो कि न तो वसा में घुलता है और न ही जल में, तो दोस्तों वो है विटामिन एच, जो कि न तो वसा में घुलता है और न ही जल में। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? और आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना नहीं भूलें। तो दोस्तों अगर कोई भी दोस्त हम नया हो इस चैनल पे, तो आप उसे सब्सक्राइब करना न भूलें तथा सामने के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें।
तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पढ़ाई से संबंधित किसी प्रकार का और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से आपके लिए लेके आएंगे जो कि आपको अच्छी तरह याद हो। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों यह था आज के लिए आपका सवाल कि विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था और कब दिया था। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपको पता चल सके कि विटामिन नाम किसने दिया था और कब दिया था। तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना न भूलें। दोस्तों आपको अगर किसी टाइप का और वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। और यह था हमारा साइंस का पार्ट टू, और आगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे ही वीडियो बनाते चलेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।